शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरनेट घेरा सड़क निर्माण को लेकर जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में घारकंडी के लोगों ने धर्मशाला में थाली बजाओ प्रशासन जगाओ आंदोलन किया। आंदोलन के बैठे युवाओं का कहना है कि जब तक सड़क का काम शुरू नहीं किया जाता है या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। इस मौके पर जिला परिषद ने कहा कि यदि सड़क निर्माण शुरू ना हो तो 19 जनवरी को रोपवे का उद्घाटन किसी भी हालत में नहीं होने देंगे और सीएम जहां भी जाएंगे उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि वे डीसी कार्यालय प्रांगण में पहुंचे तो पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें थाली बजाने व भीड़ जुटाने पर रोका गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री के कार्यक्रम में जुटने वाली भीड़ पर क्यों ये कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि सीएम के दौरे के दौरान भीड़ जुटेगी तब क्या पुलिस कार्रवाई करेगी। जिला परिषद ने कहा कि सड़क कार्य को लटकाने में स्थानीय मंत्री सहित अन्य नेताओं का भी योगदान है। रास्ते के लिए लाखों की राशि स्वीकृत हो चुकी है। जिला परिषद ने कहा कि यदि सरकार के पास फंड नहीं है तो हमें बताएं, हम फंड एकत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि धारकंडी के लोग गरीब जरूर हैं लेकिन सुविधाओं के लिए पैसे खर्च करने का दम रखते हैं। बड़ी शर्म आती है प्रदेश सरकार के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर हमें शर्म आ रही है कि लगातार हमें जो बहानेबाजी की जा रही है कि बरनेटू घेरा रोड के लिए बजरी नहीं है, अल्टरनेट रास्ता भी नहीं निकाला जा रहा है। यदि बरनेटू घेरा रोड 2 किलोमीटर का मार्ग बन जाता है तो कोई ना कोई सुविधा जो हमें वहाँ पर मिल सकती है। अब लगातार जो अब हम सरकार से यही आग्रह करेंगे और यहाँ से तब जाएंगे जब हमारा बरनेटू घेरा रोड जो कच्चा ट्रैक नीचे तक पहुँचेगा। इससे पहले अमरनाथ अनशन हुआ, 198 लोगों का मुंडन हुआ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन 19 तारीख तक हमारा कच्चा मार्ग यदि नीचे नहीं पहुंचता है तो ये सत्य है कि रोप वे का उद्घाटन हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। 19 तारीख तक बैठेंगे और सीएम जहां पर आएंगे वहां पर काले झंडे के साथ खड़े होंगे। आज शर्म आती है, हमारे पुलिस के कर्मचारी कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर्मचारी और बोल रहे हैं, जी हाँ जी आप थाली के बजा रहे, आप इतनी भीड़ इकट्ठे करके कर रहे हो, मंत्री के कार्यक्रम लगे वहां पर पुलिस विभाग क्यों नहीं जा रहा। जहाँ पे सीएम साहब आएंगे क्या वहाँ पे पुलिस विभाग जाएगा? पुलिस विभाग ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है तो वहाँ पर भी करें, गरीब लोगों के ऊपर अपना अत्याचार ना करें। और हम बहुत दुखी है, सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है फिर रोड के काम को ना करने के लिए कहीं ना कहीं जो अब वो दबाया जा रहा है और जिसमें लोकल मिनिस्टर का भी योगदान है और अन्य नेताओं का भी योगदान है। सुनो मेरी बात, मुख्यमंत्री का स्वागत भी होगा, विरोध होगा काम ना करने का। मुख्यमंत्री जयराम जी बहुत अच्छे नेक सभी के, लेकिन वहाँ के जो नीचे के जो है ना सिस्टम का सत्यानाश करके रख दिया है। चाहे आप जहाँ मर्जी देख लो, मैं एक बात नहीं कहूँगा, जहाँ मर्जी देख लो सिस्टम नीचे जीरो करके रखा हुआ है। एक नॉर्मल रास्ते के लिए, नॉर्मल सा रास्ता है जिसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस है, सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस है, हर कुछ हो चुका है, 39 लाख रुपए का बजट भी जारी है किंतु काम नहीं लग रहा। मंत्री का फट्टा लगेगा तब जाकर होगा। क्या मंत्री ही उस चीज़ को कर सकती है? क्या जनता मरती रहे? इसलिए हम सरकार से आग्रह करके जिला प्रशासन के डीसी साहब से आज निवेदन करने के लिए आए हैं। हम जाएंगे तो यहाँ से तभी जाएंगे जब रोड का काम चलेगा, अदरवाइज जो मर्जी होगा फिर हम यहाँ पे बैठे हैं। और मैं फिर मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 19 तारीख को रोप वे का उद्घाटन हम जो नहीं होने देंगे। जब हमारे नीचे के लोगों के लिए सुविधा नहीं तो रोप वे क्यों बना रहे हैं फिर? सरकार के पास यदि पैसा नहीं है, सरकार हमें बोले, हम लोग जो वो डोनेट करने के लिए तैयार है, हम लोग जो फंडिंग करने के लिए तैयार है। हमारे धारकंडी के लोग सभी गरीब हैं लेकिन पैसा खर्चने के लिए तैयार हैं। एक बार हम ही कर दे कि हमारे पास बजट नहीं, आप बना ले, हम बनाने के लिए तैयार हैं। और अंतिम बात मैं ये बोल रहा हूँ, हम यहाँ से तब जाएंगे जब हमारे रोड का काम चलेगा, अदरवाइज 19 तारीख को मिलिट्री लगा देना, आर्मी लगा देना, जो करना होगा वो कर देना, लेकिन हम जो वो उद्घाटन जो वो नहीं होने देंगे। जी मंत्री जी, तो मैं बोलता हूँ मंच के ऊपर डिबेट करें, मैं बताऊँगा कौन सी एनओसी ली है। आज तक शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत घेरा डिस्पेंसरी के लिए रास्ता नहीं है, जहां पर लोग पालकियों में लेकर डिस्पेंसरी को जाते हैं। ये रास्ते की बात कर रहे हैं, ये अप्रूवल की बात कर रहे हैं, ये जो भी अप्रूवल हुई है जिला प्रशासन के सहयोग से और धारकंडी के युवाओं के योगदान से और 198 लोगों के मुंडन करवाने से हुई है, अदरवाइज किसी भी राजनेता का इसका कोई भी योगदान नहीं रहा है।